हेलो व्यूअर्स, सिमेटिक वेब सॉल्यूशन की तरफ से मैं मोहम्मद अदील वीडियो लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्डप्रेस सीरीज। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस मई 27, 2003 को लॉन्च की गई। इसके फाउंडर्स थे मैट मुलनविग एंड माइक लिटल। इन दोनों ने इस वर्डप्रेस को बनाया, लॉन्च किया, लेकिन ये तब उस वक्त इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो सकी, चल नहीं सकी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और बहुत से मेथड थे जो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा, और ये क्यों फेमस हुई ये भी आपको आगे चल कर बताएंगी। ये दरअसल एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको कि हम लोग CMS के नाम से जानते हैं। ये एक PHP और MySQL बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। और फरवरी 2017 तक विकिपीडिया के सर्वे के मुताबिक जो टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स हैं वो 27.5% वर्डप्रेस पर क्रिएट की गई हैं। इससे हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग सिस्टम है। ब्लॉगिंग सिस्टम से मुराद ब्लॉगिंग दरअसल उस वेबसाइट को कहते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने डेली के डेली आर्टिकल पोस्ट करने हो। आर्टिकल वेबसाइट्स को दरअसल ब्लॉग कहते हैं। तो ये ब्लॉग बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही आसान है यूज़ करने में। जो बंदा के ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर नहीं भी ग्रिप रखता वो भी इसको ईजीली मेंटेन और यूज़ कर सकता है। फर्स्ट लेक्चर है इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट हम अपने कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं, कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमने फुल कोर्स में क्या पढ़ना है। हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पढ़नी है ऑनलाइन, हमने इसके ऑल बेसिक फंक्शंस को रिव्यू करना है, इसकी थीम इंस्टॉलेशन पढ़नी है, प्लग्स इंस्टॉलेशन पढ़नी है, विडकिट्स इंस्टॉलेशन पढ़नी है, क्रिएट मेन्यूज करेंगे, और इसके हर तरह के जितने भी फेमस और पेड थीम्स हैं उनकी मैं आपको कस्टमाइजेशन करके बताऊँगा। वो पेड थीम आपको हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे। क्रिएट करेंगे हम लोग स्टैटिक पेजेस को, जिसमें के अबाउट अस का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज, जिसमें के फॉर्म्स और कमेंट सिस्टम लगाएंगे, और एक यूज़र फ्रेंडली पोस्टर आपको करके दिखाऊंगा जिस पर के हम लोग थोड़ी बहुत SEO भी यूज़ करेंगे। और इसकी जितनी भी जनरल सेटिंग्स होंगी वो आपको बताऊंगा, क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, कैसे साइड मैप रखता है, कैसे परमालिंक्स क्रिएट करने हैं, कैसे टाइम सेट करना है, कैसे इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स वगैरह क्रिएट करनी है, ये सारा इसकी जनरल सेटिंग्स में आ जाएगा। और साथ साथ आपको इसकी छोटी बहुत टिप्स और ट्रिक्स भी बताता रहूँगा। ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जाकर आप हमारी वेबसाइट का लिंक विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।